दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपके साथ कोई भी केस होता है, आप परेशानी में हैं, पर अपनी चीजों को आप कमेंट बॉक्स में जाकर डिटेल में मेंशन करना नहीं चाहते, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक लिंक है, लिंक पर क्लिक करते ही एक फॉर्म ओपन होगा जिसके अंदर की सिर्फ आपको अपना नाम, अपना नंबर, किस स्टेट से आप हैं, अपनी मेल आईडी मेंशन करनी है, और जो नीचे बॉक्स डला है बॉक्स के अंदर मेंशन कर दें क्या आपका केस है या फिर क्या सलाह आप हमसे चाहते हैं या क्या जानकारी आप हमसे लेना चाहते हैं, आप उसमें मेंशन कर देंगे तो हम आपसे पर्सनली कॉन्टैक्ट जरूर करेंगे और कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। जो भी आपने हमसे सवाल पूछे हैं या जो भी आपकी समस्या है उसका हम सॉल्यूशन आपको जरूर देंगे। दोस्तों कई सारे मुकदमे अलग अलग तरीके से होते हैं, कई सारे जो केसेस हैं सबका प्रारूप अलग होता है। 420C का मुकदमा सिर्फ आईपीसी का सेक्शन 420 लग गया तो मतलब ये नहीं, वो साधारण तरीके से 420 का ही एक मुकदमा है। 420 साधारण तरीके का एक केस है, सब केस अलग होते हैं। किसी केस में देखा जाए तो चीटिंग अमाउंट 1 लाख का हो सकता है, किसी में देखे तो 1000 करोड़ का भी हो सकता है, किसी में कुछ लाखों का होगा और डिपेंड करता है वो ईओडब्ल्यू तो नहीं गया, और साथ में ही 467 तो उस केस में नहीं लग गई है। ऐसी कई सारी बातें हैं। अगर आपसे कोई रिकवरी हो गई है तो मामला और अलग है। अब बात ये आती है कि 420 के मामले में बेल हो ही जाएगी। हम आज के अपनी इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि 420 जो मामले होते हैं आईपीसी 420 के, उसमें बेल कब नहीं होती है, बेल कैसे कैसे आप लेंगे वो तो मैंने कई बार आपको बताया है, पर बेल कब नहीं होती है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जितने भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं या नए वकील साहब हैं या कोई भी आपके घर परिवार में किसी के साथ ऐसा कोई मुकदमा दर्ज हुआ है अभी तक बेल नहीं हो पा रही है, तो किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है वो सब बताऊंगा अपनी इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम चीटिंग एंड फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस पर डिस्कस करते हैं अपने इस चैनल पर और आपको बताते हैं आपके कानूनी अधिकार। अगर आपका भी नाम आया है किसी भी तरह के चीटिंग या फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस में तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके बहुत काम का हो, इसीलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। दोस्तों क्या जरूरी है कि सभी 420 आईपीसी के मामले एक तरह चलते हैं? क्या जरूरी है कि सब में बेल हो ही जाएगी? क्या जरूरी है कि बेल लेने के लिए चार्जशीट का हम इंतजार करें? ऐसे कई सारे सवाल होते हैं लोगों के दिल में। प्रैक्टिकल जितना आप केस लड़ते जाओगे, प्रैक्टिकल जितना स्टडी करते जाओगे केसेस को, कि सिर्फ किताब पढ़ने से बात नहीं बनेगी, किताब तो आपको नॉलेज देती है कि कैसे प्रोसीडिंग चलेगी, बट प्रैक्टिकली कोर्ट में क्या होगा वो आपको तभी पता चलेगा जब आप केस की स्टडी करोगे, जब आप केसेस को खुद फाइट करोगे, जब अपने वकील साहब के साथ, अपने सीनियर के साथ में आप खड़े होगे और आपके साथ कोई मुकदमा हुआ है, अगर आप कोई एक्यूज है, जब आपके साथ कोई मुकदमा चलता है, कोई केस चलता है उसमें। अक्सर जब हम जेल इंटरव्यू के लिए जाते हैं अपने क्लाइंट से मिलने के लिए, तो अक्सर हमसे भी लोग बोलते हैं कि सर सेम ऑफेंस के अंदर उसकी कल बेल हो गई, वो तो 1 महीने के लिए अंदर था। दोस्तों सब केस का जो नेचर है वो एक जैसा नहीं होता है। मान लीजिए कि आपका मुकदमा जो है, जो आपकी चार्जशीट फाइल की है, वो ईओडब्ल्यू ने की है, इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग, करोड़ों के मामले यहाँ पहुंच जाते हैं, बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं। अब एक मामला है जिसके अंदर टोटल 50,000 का मामला था, 420 उसके ऊपर भी लगी थी, तो 50,000 के मामले में गया और उसने कंपाउंड कर लिया या फिर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, उसकी बेल हो गई, तो आप कैसे रिलेट कर सकते हो, कैसे कंपेयर कर सकते हो उस ईओडब्ल्यू के मामले को जिसके अंदर हजारों करोड़ का मामला है। साथ में ही मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने कोई ऐसा एक डॉक्यूमेंट फोर्ज किया जो स्टेट का मामला हो गया और स्टेट भी पूरी तरीके से उसमें एविडेंस जुटाने में सक्षम नहीं हो पाई या पूरे एविडेंस इकट्ठे नहीं कर पाए। साथ में ही आपके सामने एक दूसरे केस में कंप्लेनेंट सामने खड़ा है जो ये बोल रहा है कि सर इस बंदे ने फर्जी अकाउंट खुलवाया, ऐसे ऐसे खुलवाया, इसने उसमें मुझसे पेमेंट ली, मैंने ट्रांसफर की और इसी व्यक्ति ने उसी अकाउंट में जो चीटेड अमाउंट जिसमें लिया गया है उसी अकाउंट से अपनी वाइफ के अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर कर दी। तो ये दोनों अलग अलग केसेस हैं। एक के अंदर तो आप फर्जी अकाउंट खुलवा रहे हो फर्जी दस्तावेज के साथ में, जहां 467 भी लग गया, 420 तो लगा ही लगा, साथ में आपने कनेक्ट कैसे कर दिया कि पेमेंट आपकी वाइफ के अकाउंट में गई आपके अकाउंट से। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि उस केस के अंदर स्टेट का मामला था, एविडेंस कुछ क्लियर थे नहीं, पेमेंट जिसमें आई पेमेंट उसी में थी और अकाउंट वो सीज करा दिया, तो डायरेक्ट एविडेंस नहीं आ रहे, उसमें शायद आपकी बेल हो भी जाए। अब क्या जरूरी है कि हम चार्जशीट लगने का वेट करें? जरूरी नहीं है। अगर आपके पास एविडेंस है और आपके वकील साहब ने अच्छे से केस को स्टडी किया है, वैसे भी चार्जशीट से पहले बेल तो लगानी ही चाहिए।
चार्जशीट के बाद आपके पास ग्राउंड और बन जाते हैं, बट चार्जशीट से पहले आप बेल जरूर लगाएं। जैसे ही चार्जशीट लगेगी, चार्जशीट लगने के बाद में 60 दिन या 90 दिन के अंदर जैसे चार्जशीट आपकी लगेगी, लगते ही बहुत सारे ग्राउंड सामने आते हैं चार्जशीट की स्टडी करने के बाद में। साथ में ही बाय डिफॉल्ट बेल का भी एक प्रावधान है जिस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उससे आप समझ पाएंगे। पर आप इस बात को जरूर समझ लीजिए कि आपके सामने अगर कंप्लेनेंट खड़ा है, कंप्लेनेंट जिसने कंप्लेंट आपके अगेंस्ट की है वो सामने खड़ा है, और साथ में ही अगर सिर्फ पुलिस है, कंप्लेनेंट नहीं है, ये दोनों केस अलग अलग हैं। पैसे में एक में कंपाउंड करके आप निकल सकते हो कंप्लेनेंट के साथ में, एक में कंपाउंड नहीं हो रहा क्योंकि वहां पर पता ही नहीं कंप्लेनेंट कौन था, कंप्लेनेंट आ नहीं रहा है, ये भी दोनों केस अलग है। केस को आप जरूर देखें, केस को आप जरूर समझें, और जिसके अंदर की सामने एविडेंस भी है साथ में ही आपके सामने कंप्लेनेंट भी खड़ा है, जब भी बेल लगा रहे हैं वो बेल को अपोज कर रहा है, तो जज साहब इस बात को जरूर सुनते हैं। और आपको बेल लेने में थोड़ी मशक्कत हो सकती है, पर बेल सबको मिलती है, वो डिपेंड करता है किसी को जल्दी, किसी को लेट, किसी को महीनों में तो किसी को सालों में, वो केस टू केस डिपेंड करता है। वकील साहब कितने अच्छे से केस को प्रेजेंट करेंगे वो डिपेंड करता है, वकील चाहे कोई भी हो, चाहे छोटे हों या बड़े वकील साहब हों, उसके अंदर क्या होता है केस को ही मेन प्रेजेंट किया जाता है। केस को प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है या बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बट केस के फैक्ट्स तो आप ही दोगे, साथ में जो हम स्टडी करके आते हैं वो अलग चीज होती है। दोस्तों जो भी कुछ मैंने आपको बताने की कोशिश की अपने इस वीडियो के माध्यम से, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। बट फिर भी कोई भी किसी तरह के सवाल है कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को पूछें, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और अच्छा लगा हो आज का हमारा वीडियो, अपने दोस्तों परिजन परिवार में ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानून जानकार बना सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आपके लेकर आ सकें सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।